संजय पंडित। संजय जी, अभी आप ये झरिया गुजराती स्कूल क्यों आए हैं, क्या दिक्कत है? ये मैं अपने बच्चे को एडमिशन के लिए यहाँ पर आया था। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे, लेकिन ये कोविड के दौरान आर्थिक स्थिति बिल्कुल ये हो गई, उसके कारण अब मैं चाह रहा था कि बच्चे मेरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यहाँ पर आने के बाद पता चला कि एडमिशन नहीं हो रही है। मतलब जस्ट लाइक एक एडमिशन तो कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ ये है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है। उनका कहना है कि रजिस्टर्ड नहीं होगा बच्चे। स्कूल में आपका बच्चा पहले पढ़ रहा था? हाँ। तो अब क्या कर रहे हैं आप? यहीं पर, यहाँ पर बोले हैं कि रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर मतलब वो एडमिशन हो रहा है, लेकिन वो परमानेंट टाइप का, परमानेंट टाइप का नहीं हो रहा, वो एक ये है संभावना बता रहे हैं। तो ऐसे में फिर बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे आप? यही तो बहुत चिंता वाली बात है, बच्चे के भविष्य को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करते हैं आप? हम एक प्राइवेट टीचर है सर, प्राइवेट ट्यूशन वगैरह कराता हूँ। तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आप असमर्थ है, अभी तो तत्काल असमर्थ है। मेरे बच्चे क्लास 9 में है, तो मैं चाह रहा था गवर्नमेंट स्कूल से 9-10 वो कर ले कम से कम। तो सरकार तो एक तरफ कहती है कि बच्चे को पढ़ाएं, और दूसरी तरफ ये अभी एक परेशानियाँ आ गई है। तो ऐसे में फिर तो क्या लगता है, बच्चे का भविष्य किस तरफ सुरक्षित रहेगा? यही तो एक असमझ बना हुआ है। हम तो बहुत ही ये से आए हैं, बहुत खुशी होकर के आए, चलो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जब ये सब पता चला तो बहुत दुखी हो गए हम। तो अब क्या करेंगे? अब सरकार का गाइडलाइन का ही क्या आता है, इंतजार करेंगे। और क्या प्रिंसिपल क्या कहें यहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे, वो उन्होंने क्या कहा? प्रधानाध्यापक का कहना है कि तो अभी तो एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन वो एक एडमिशन नहीं होगा, जस्ट लाइक वो एक तो आधार, मतलब एक ट्यूशन टाइप का कहना आ रहा जा रहा। हाँ, उनका कहना है कि वो अभी वहाँ से ऑर्डर नहीं मिला है उनका सरकार से। तो आप कुछ मांग करेंगे मीडिया के, ये हमारे चैनल के माध्यम से? तो यही मांग करेंगे कि बच्चे मेरा एडमिशन हो जाए, बच्चे का भविष्य की बात है। तो आपके जैसे बच्चे तो और भी, आपके बच्चे जैसे और भी कई बच्चे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं जो अब वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को, कोविड के दौरान ये आर्थिक स्थिति ये हो जाने के कारण। आप एक पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, क्या परेशानियां हैं उनकी? देखिए, ये पेरेंट्स संजय पंडित, वो चाह रहे हैं कि उनका बेटा अब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। अब कोरोना काल में इनका जितना जानते हैं, इनका आर्थिक पोजिशन है बहुत डाउन हो गया, प्राइवेट स्कूल का फीस वगैरह वो दे नहीं पा रहे हैं। अभी वो लेना चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जाए, क्योंकि राज्य सरकार का वो जो स्कूल है वो स्कूल में जाए और बच्चा वहाँ से बढ़े। अगर राज्य सरकार का स्कूल में अगर उसको एडमिशन नहीं ले जाएगा, तो ऐसा बहुत सारे भविष्य, खाली संजय पंडित का बेटा नहीं है, ऐसा हमारे राज्य में कम से कम 950,000 से ऊपर जो चिल्ड्रेन है, बच्चा लोग प्राइवेट से शिफ्ट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट में, उनका भविष्य अंधकार है। तो एज ए एडुकेशनिस्ट, एज ए सोशल वर्कर कम टीचर, हमको बहुत ख़राब लग रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को कैसा चालू हो जाए, इसीलिए हम लोग दौड़ रहे हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए राज्य सरकार का भी ऑफिस में अप्रोच करेंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं वो। अभी आप जब यहाँ आए, आप स्कूल को क्या बोला? देखिए, प्रधानाध्यापक ने कहा कि ऐसा गवर्नमेंट हाई एडुकेशनल सेक्टर से अभी इजाज़त नहीं है कि 8 से 9 में जो लोग एडमिशन लेगा उसका फॉर्म फिलअप करके वो आने का इजाज़त नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की ओर से। तो हम लोग वो इजाज़त क्यों नहीं है उसका जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस धरती में जो राज्य में रहता है सब बच्चा का पढ़ने का अधिकार है, और हमारे मूल संविधान का मूल बुनियाद है शिक्षा और शास्त्र, इसमें हैम्पर तो हम लोग होने ही नहीं देंगे। तो राज्य सरकार से बात करना है, करेंगे। तो दादा, ऐसे में तो बच्चे का भविष्य फिर अधर में लग जाएगा। हाँ, ये तो देश का सारा बहुत समस्या है। हमको लगता है झारखंड छोड़ के, ये स्टेट छोड़ के ऐसा प्रॉब्लम कहीं पर नहीं हो रहा। हम लोग इसको जानकारी लेंगे, इसके ऊपर में अगर जरूरत हो तो फिर बात करेंगे एडुकेशन मिनिस्टर से या एडुकेशन सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा। सरकार भी एक तरफ कहती है कि बच्चे को शिक्षित बनाए। हाँ, जो अभी जो रवैया है उस तरह से, ये तो डुप्लीसिटी हो जा रहा। आइदर स्टेट, मतलब जो एडुकेशन सेक्रेटरी है, उनका सारा झारखंड के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको जाके वो देखे नहीं है ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा। वो एक है, उनको तो रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से सर्कुलर जारी कीजिए कि हम लोग का जैसा दौड़ना ना पड़े, ये फालतू का परेशान। चैनल के माध्यम से कुछ मांग करेंगे सरकार से? हाँ, ये तो सरकार से मांग है कि आप ये सिचुएशन को एक बार पहले सर्वे कीजिए, कि मोटा मोटी एक सर्वे से टोकन सर्वे कीजिए, पायलट सर्वे करके आपको पता चल जाएगा कि ऐसा एरिया में कितना बच्चा है जो लोग प्राइवेट से सरकारी में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उस बच्चा को एक तो भविष्य कीजिए, ऐसा कोई नया पॉलिसीज लाइए, अगर जरूरत होगा तो सीट संख्या बढ़ाइए स्कूल में, या उसी हिसाब से कोई एक तो आना ही पड़ेगा ना, तो ये सब बच्चा का भविष्य तो अंधकारमय आ जाएगा। तो ऐसा तो हम लोग हो नहीं दे सकते हैं, ये तो सरकार का जिम्मेदारी है।
जनता का साथ साथ सरकार का भी जिम्मेवारी है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल जो चला, डेढ़ साल जो कोरोना काल चला, इसमें कई लोगों, पूरे जो प्राइवेट लोग प्राइवेट काम करते थे, प्राइवेट कर्मचारी थे, उनकी रोजगार पूरी तरह छिन चुकी है। ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते थे, उन्हें अब काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो जब सरकारी स्कूल में आना चाह रहे हैं तो ऐसे में वो आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कई प्रकार की परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ रही है। हम जानना चाहेंगे, हम अब गुजराती स्कूल के गुजराती हिंदी उच्च विद्यालय में हम प्रधान अध्यापक के पास हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को जो सरकार प्राइवेट स्कूल से 9 में एडमिशन कराने के लिए इनके स्कूल में आ रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं लक्ष्मी नारायण, प्रभारी प्रधानाचार्य झरिया, गुजराती हिंदी उच्च विद्यालय झरिया। सर, प्राइवेट स्कूल से इस कोरोना काल में जो आपके स्कूल में बच्चे आना चाह रहे हैं, तो वो हम लोगों के पास आकर कह रहे हैं कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। क्या वजह है, क्या दिक्कतें हो रही है उन्हें? जी बिल्कुल, आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। असल में समस्या ये आ रही है कि इन दिनों इस कोरोना पैंडेमिक में सैकड़ों हजारों लोगों की जो रोज़गार चला गया, उनके पास किसी तरह का संसाधन नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों का नैसर्गिक अधिकार है। कोई भी सभ्य समाज के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और उसको शिक्षा से किसी भी प्रकार वंचित नहीं किया जा सकता। तो निजी विद्यालयों में जो बच्चे हैं, अभिभावक चूँकि उनका रोज़गार चला गया है, वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने बच्चों को वो वहाँ की फ़ीस ऑनलाइन कक्षाओं का दे पाएँ, क्योंकि उनका रोज़गार ही चला गया। अभिभावक हमारे पास आते हैं कि सर, हमारा 15,000, 20,000, 25,000 रुपये विद्यालय का बाकी है, तो विद्यालय हमें टीसी नहीं दे रहे। और हम चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में, इन दिनों हम देख रहे हैं कि आप लोगों के विद्यालय में ऐप के द्वारा, झारखंड डिजी स्कूल ऐप के द्वारा पढ़ाई हो रही है, जिसमें ऑडियो वीडियो क्लासेस की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जूम और गूगल मीट के द्वारा आप लोग वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, और ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। ऐसी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे का नामांकन हो जाए। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो बच्चे पंजीकृत विद्यालय से हैं, उनका नामांकन आसानी से हो जाता है, परंतु झरिया में या कई जगहों में आपको पता होगा कि ऐसे कई विद्यालय हैं जिनका किसी भी बोर्ड से, न CBSE से, ना झारखंड से, न किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त वो नहीं है। ऐसे बच्चों का नामांकन की समस्या ये है कि बोर्ड ने हमें निर्देश दिया था कि जब बोर्ड सर्टिफिकेट बच्चे लेकर आए तो उनका नामांकन ले लें। इस वर्ष बोर्ड नहीं हुआ, जिस कारण से बच्चे के पास किसी वैलिड SLC नहीं है, जिसमें कि वो रजिस्टर्ड विद्यालय का, और ना ही उनके पास परिणाम है। तो इसके लिए ये प्रमाणित कर पाना हमारे लिए मुश्किल है कि वास्तव में वो बच्चे 8वीं पास है या नहीं है। तो किसी भी गैर पंजीकृत विद्यालय का, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके सर्टिफिकेट को मानना विभाग के लिए मुश्किल है। लेकिन सरकार को इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इन बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। इस संबंध में हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया श्रीमती प्रबला खेस ने हमारे सचिव महोदय से मार्गदर्शन मांगा है कि ऐसे बच्चों का नामांकन के लिए कुछ मार्गदर्शन दिया जाए। उस संबंध में उन्होंने स्मारक पत्र भी दिया है, परंतु अब तक कोई मार्गदर्शन तो प्राप्त नहीं हुआ। परंतु जिला कार्यालय के द्वारा हमें ये कहा गया है कि ऐसे बच्चों का आवेदन लेकर अग्रसारित करें, ताकि आगे हम लोग इस पर विचार कर सकें कि ऐसे बच्चों के लिए क्या निदान किया जाए। और उम्मीद है कि शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा और ऐसे बच्चे अपनी शिक्षा का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। सर, अगर अभी इस बीच क्या करेंगे, वो जो बच्चे एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं और वो सिर्फ आवेदन दे के इंतजार करेंगे, तो उस बीच आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि उसकी शिक्षा पूरी तरह चलती रहे? जी, इसके लिए हम लोग डिजी स्कूल ऐप जो हमारा है, इसके द्वारा हम उनका निबंधन करा देते हैं, ताकि उसके द्वारा वो ऑनलाइन क्लासेस का, अगर वो चाहें तो हमारे व्हाट्सएप क्लासेस जुड़ के अपनी पढ़ाई जारी कर रख सकते हैं। इसके लिए विद्यालय में नामांकित होना ज़रूरी नहीं है, हम उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की शिक्षा ऐसे भी दे सकते हैं और ऐप के थ्रू भी वो पढ़ाई कर सकते हैं। विद्यालय इसमें सभी का सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो कागजी प्रक्रिया वो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन बच्चे अगर चाहेंगे तो हम उनका क्लासेस लेने के लिए तैयार हैं। और 9 तारीख से जो कक्षाएं प्रारंभ होगी, पूर्व में भी हम लोगों ने ऐसा किया था कि यदि कोई विद्यालय, कोई भी छात्र छात्रा किसी ऐसे विद्यालय में है जहाँ उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो रही हो, और हमारे विद्यालय में अगर वो पढ़ना चाहे, तो उसके लिए हमने पहले भी अलाउ किया था
इस बार भी हम अलाउ करेंगे कि अगर ऐसे बच्चे 9 तारीख से अगर हमारे कक्षाओं में अपने अभिभावक से सहमति लेकर आते हैं तो हम उनको ऑफलाइन क्लासों के लिए भी अलाउ करेंगे, ताकि किसी भी तरह से उनके शिक्षा जो है प्रभावित ना हो और वो अपना भविष्य बना पाएँ। प्रधानाध्यापक थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है उसी स्कूल के बच्चों को दिक्कतें हो रही है एडमिशन कराने में। लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि हमारे जो अधिकारी हैं, धनबाद जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वो जैक से बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इन बच्चों का एडमिशन लिया जाए कागजी प्रक्रिया पूरी करके, ताकि इन बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है वो बर्बाद ना हो, वो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सके स्कूल में आकर के। कोशिशें की जा रही है, अब देखना यह होगा कि वो कोशिशें कब कामयाब होगी और कब बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल जो इनकी कोशिशें हैं वो यह है कि जो ऐप झारखंड सरकार ने जो ऐप बच्चों के लिए लागू किया है वो उन बच्चों तक दे दिया जा रहा है, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, उनकी शिक्षा अधूरी ना हो। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।